नमस्कार चाणक्य आई ए एस अकेदमी में आपका स्वागत है एक स्थानीय समाचार संगठन है नाम है उसका खबर लहरिया और इस खबर लहरिया के बारे में बताती एक फिल्म सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी यानी कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई है अगर खबर लहरिया जैसी फिल्मों के निर्माण प्रारूप यानी कि फॉर्मेट की, की चुनौतियों पर हम विचार करें और खासकर भारत के संदर्भ में तो ऐसी फिल्मों को बनाने में जो चुनौतियां हैं जरा उस पर गौर कीजिए पहली बात ये कि इस तरह के फिल्म निर्माण के लिए हमेशा संसाधनों की कमी रहती है या जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं उनके पास जरूरी संसाधन नहीं होते हैं दूसरी चुनौती इस तरह की फिल्मों में निवेश पर रिटर्न बड़ा कम मिलता है तीसरी चुनौती कि इसे लोगों को दिखाने के लिए मुट्ठी भर प्लेटफॉर्म है और इन सभी चुनौतियों को देखें तो यह अकेले जश्न मनाने लायक बात है कि इसे अकादमी पुरस्कार में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में शामिल किया गया है लेकिन राइटिंग विद फायर जो कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है का विषय इसके नामांकन के जश्न मनाने का एक अतिरिक्त कारण है रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा निर्देशित यह फिल्म खबर लहरिया चलाने वाली दलित महिलाओं के जीवन की काम में आने वाली मुश्किलों या चुनौतियों को पेश करती है और उन मुश्किलों या बाधाओं को वो कैसे दूर करती हैं यह भी इसमें दिखाया गया है खबर लहरिया से जुड़े सदस्यों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अगर हम उस पर गौर करें तो देखें जरा वो कौन कौन सी समस्याएं हैं पहली समस्या है कि खबर लहरिया को चलाने के लिए जो आवश्यक फंड है उसमें हमेशा कमी रहती है दूसरी समस्या यह है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस नई नई तकनीक या नई नई प्रौद्योगिकियों के साथ उनके सदस्यों की अनुभवहीनता रहती है साथ ही साथ परिवार की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात यह कि जहां वो रिपोर्टिंग करने जाती हैं तो रिपोर्टिंग के समय मौजूद भीड़ का अनफ्रेंडली बिहेवियर क्योंकि खबर लहरिया उन मुद्दों की रिपोर्टिंग करता है जो उस समुदाय के लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं जिनकी वो सेवा करते हैं यानी कि दलित और वंचित वर्ग पहली बार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में एक समाचार पत्र के रूप में जन्म लेने के 20 साल के अपने इस सफर में खबर लहरिया ने यह बताया है कि भारत में पत्रकारिता क्या हो सकती है यह बताया है कि पत्रकारिता क्या होनी चाहिए और पत्रकारिता किसके लिए मायने रखती है 2016 में अपनी पहली डिजिटल उपस्थिति बनाने वाली खबर लहरिया में काम करने वाली महिलाओं ने समाज के सामने जिन मुद्दों को उठाया है या जिन मुद्दों को वो सामने लेकर आए हैं अगर हम उस पर गौर करें तो वो मुद्दे हैं जाति और लिंग के प्रति पूर्वाग्रह या पहले से बना हुआ नजरिया और इन्हें लेकर प्रशासन का ढीला ढाला रवैया या प्रशासनिक उपेक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कहानियां ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि जो प्रश्न ये महिलाएं जिनसे पूछती हैं वो उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं या हर समय वो घर से बाहर रहकर काम करती हैं और अक्सर उस वातावरण में काम करती हैं जहां पर वैसे लोग मौजूद होते हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं और खासकर यह तब और भी कठिन हो जाता है जब आप एक दलित महिला हो ऐसा करने में अक्सर अपना जीवन मुद्दा पर लगा देती है ऐसे समय में जब अपेक्षाकृत आसान और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त परिस्थितियों में काम करने वाले पत्रकारों का एक वर्ग वास्तविक मुद्दों से काफी दूर हो गया है पत्रकारिता के मौजूदा माहौल में खबरों को परोसने में सरकार या सिस्टम के साथ विरोध या समर्थन का स्वर कुछ ऐसा हो गया है कि विरोध विरोध कम और शौतन वाला व्यवहार ज्यादा दिखता है और समर्थन में विवेक का प्रयोग कम और चाटुकारिता ज्यादा दिखती है तब तो यह जानकर खुशी होती है कि खबर लहरिया की महिलाएं निडर होकर आगे बढ़ रही हैं 2002 के बाद से उन्होंने उन मुद्दों और कहानियों को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत की है जिस पर शायद ही पत्रकारिता की मुख्य धारा का ध्यान रहता है तो अब दुनिया को खबर लहरिया के संघर्ष की कहानी को ना केवल देखनी चाहिए बल्कि उसे सम्मान भी देना चाहिए ताकि इस तरह के कार्य को और कार्य करने वालों को और प्रोत्साहन मिले तो इस प्रकार हमने यहाँ पर यह देखा कि इस साल भारत की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भेजी गई है जो कि खबर लहरिया जो कि एक स्थानीय समाचार संगठन है से संबंधित है और उसको चलाने वाली जो महिलाएं हैं उसकी संघर्ष की क्या कहानी है उस पर हमने गौर किया इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं